अशोक, आदमी ट्रेवल करता है एक्चुअली, दुनिया गोल है ना, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा मैम, आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? आज तो आप बस में आई हैं, वैसे ट्रेन में आज तुम लोग पैसे दे रहे हो ना इस शो के, मैं ऑटो में आई हूँ। अच्छा ट्रेन में आप जब सफर करो ना, आपको अलग अलग तरीके के आदमी मिलेंगे। कुछ तो डेली पैसेंजर होते हैं जो डेली जाते हैं, जिनकी जेब में ताश की गड्डी होती है, चार छह लोग होते हैं, अपना सूटकेस होता है टांगों पर रखे, उन्हीं के पत्ते पत्ते खेलते हैं। एक आदमी आपको ऐसा जरूर मिलेगा ट्रेन में जो बैठा रहता है, उसको सारी नॉलेज होती है। जो सिंगल वाली सीट होती ना, वहां पे बैठा रहता है। मान लो अगर कहीं तकदीर बदल रहा होता अपनी गाड़ी में बैठा बैठा, पता नहीं क्या कर रहा होता है, ट्रेन अगर कहीं रुक जाए उसका कमेंट आता है अभी आउटर में खड़ी है, राजधानी क्रॉस करेगी तब निकलेगी। स्टेशन पे ट्रेन ज्यादा देर खड़ी हो जाए वहां पे भी उसका कमेंट आता है, इंजन चेंज होगा अभी, तेरा भी इंजन चेंज करने वाला हुआ है। गाड़ी धीरे चले तब भी कमेंट आता है, अभी 2 घंटे डिले चल रही है, रात को कवर करेगी। पूरी नॉलेज होती है उसको, पूरी नॉलेज। और स्टेशन पे जब सारी सवारियां उतर रही होती ना, ये अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है, फिर दूसरा पान वाला बोल रहा है वो पिछले स्टेशन पे उतर गई, मेरी जी मेरे से ज्यादा गाड़ियों का ध्यान रखता है। अच्छा एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो बड़ा फेमिलियर बनने की कोशिश करता है सबके, आपके बड़े काम भी कर देगा, ऐसे आप आएंगे सामान उठा के ऊपर रख देगा, नीचे रख दूं, इधर रखना, इधर रखना, बताइए बच्चा, चाप मेरे को पकड़ा दे बहन जी। ऐसा हम्बल आदमी जब आपको मिले ना, समझ जाओ ये वेटिंग लिस्ट वाला है। और कुछ तो वेटिंग लिस्ट वाले इतने छाने होते हैं ना, वो बताते नहीं किसी को कि हम वेटिंग लिस्ट में, वो चुपके से जाते, 3 आदमी बैठे ना तो अपना एक पीस ऐसे धीरे से टिका के ना ऐसे बैठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे आधा एडजस्ट कर लेते हैं, वेट कर रहे होते हैं, जैसे ट्रेन झटका मारती पूरा इधर। अरे कुछ लोग बड़े शाने होते हैं, उनको पता होता है कि ये वैसे वेटिंग वाले आते हैं, वो जान के ऐसे लोगों को देख के ना पूरी ट्रेन में ऐसे लेट जाएंगे। वो भी ढीठ होते हैं, वो भी उनके पैरों को थोड़ा सा पीछे करके ना ऐसे करके बैठ जाएंगे, उनकी जूते की नोक चुभती रहे, वो नहीं हिलते, तो अपना सफर काटने से मतलब है। जिनके पास कंफर्म टिकट होता है ना, फिर भी कई बार दिल को तसल्ली देने के लिए ना रिजर्वेशन चार्ट चेक करते रहते हैं, और जो वेटिंग वालों का टिकट कंफर्म हो जाए उन्हें तो इतनी खुशी होती है जैसे आईएएस क्लियर कर लिया उन्होंने। एक्चुअली ऐसे होता है। और कुछ लोग तो मेरे जैसे वैसे ही रिजर्वेशन चार्ट चेक करने चले जाते, कंफर्म भी होती टिकट खाली देखने के लिए, बगल में लड़की बैठी कोई अपनी टिकट के साथ देखते हैं ना सरोज, खुश हो जाते हैं, पर इनकी किस्मत बुरी होती है, सरोज नाम का भी लड़का ही निकलता है। जैसे दिनेश है ना, ये अपना मुंबई से जा रहा था अमृतसर, एक लड़की आई ऐसे सूटकेस लेके बड़ा खुश, अरे लाइए ना मेरे बस, धीरे धीरे सारे कंबल उठा के रख दिए, कहती आप अमृतसर जा रहे हैं? हाँ जी अमृतसर जा रहे हैं। कहती ओके ओके बीजी, 80 साल की दादी बुला ली अपनी, भैया भी अमृतसर जा रहे हैं आपका ख्याल, भैया इनका ख्याल रखना प्लीज। अम्मा आके बेचारी कहती बेटा अमृतसर जा रहे हो? कहते जाना तो था, मामा जी की तबीयत खराब हो गई, पानीपत उतर जाऊंगा। अरे सबसे मुश्किल होता है ट्रेन में टॉयलेट यूज करना, क्योंकि गाड़ी छपक छपक खिलती रहती ना, तो डिपेंड करता है कि टॉयलेट का मुंह किस तरफ है। गाड़ी अगर गाड़ी इस तरफ जा रही है, अगर एक तो इस तरफ जा रही है गाड़ी, तो ऊपर से टॉयलेट इस तरफ बना हुआ है, तो गाड़ी इधर इधर हिल रही है, आप इधर इधर बैठे हो, आदमी उस समय सॉरी बट इट्स रियलिटी, उस समय जो आदमी बैठा अपना जो परफॉर्मेंस दे जाता है ना, जिसने वहां पे बैलेंस बना लिया, समझो उसका जिंदगी में कभी बैलेंस खराब ही नहीं हो सकता। कई बार ना ट्रेन का जो दरवाजा होता है उसका, कई बार बाथरूम का जो दरवाजा होता है चिटकनी नहीं होती, तो वहां पे जुगाड़, इंडियन लोग जुगाड़ लड़ाने में माहिर हैं, फिर एक पैर दरवाजे पे लगा के ना
बाथरूम वगैरह जाते जब लोग। अच्छा फ्लाइट में जो नया नया सफर करते हैं या कंफ्यूज बड़ा होते हैं क्योंकि कई बार टिकट के अंदर इंक्लूड होता है ना फूड, तो कई बार एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो सब मेरे जैसे जो पहली दूसरी बार बैठे रहते ना उनको ये होता है कि एयर होस्टेस आगे खाना लेके ना उनके एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं फिर अभी बगल में भी नहीं आती तो हाथ उनके पहले ऊपर आ जाते हैं। अंग्रेज लोग गोरे लोग जो जाते हैं फ्लाइट में उनको देख लो वो किसी से उनको मतलब नहीं होता भी। हमारे लोग ज्यादा जाते हैं फ्लाइट में, जो मिल लिया खा लिया पी लिया, सबसे ज्यादा बाथरूम भी यूज करते हैं। जो गोरे लोग होते हैं बिजनेस क्लास में बैठे हैं अपनी सारी बुक पढ़ जाते हैं, ग्रीन टी ज्यादा ज्यादा ऑर्डर करते हैं, बाथरूम में नहीं जाते, वो भी ऑनलाइन करते हैं वो लैपटॉप व्हाटएवर जो भी उनका होता है ना। अच्छा हम लोगों को ट्रेवलिंग करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कौवे कबूतर होते देख लो कितना मजा आता है इनको, जितनी देर उड़ा उड़ा थक गए तो ऐसे भैंस के ऊपर बैठ गए इंजॉय करते हैं, ज्यादा तेज जाना हो तो कुत्ता कर लेते हैं जैसे हम रिक्शा करते ना, बहुत बार देखा होगा आपने कबूतर बैठा रहता कुत्ते के। अच्छा हिल स्टेशन पे बड़े सारे जोड़े घूमने जाते ना, जो एक जोड़ी ऐसी जरूर होती है जिनकी रिसेंटली शादी हुई होती है। अच्छा एक ऐसे भी कभी कभी बहुत बार होता है आपने नोटिस किया होगा, जिस लड़की ने सारी उम्र सलवार सूट के अलावा कुछ नहीं ना पहना वो सडनली हनीमून पे जींस पहन लेगी है ना, कई तो भाइयों की ले आती खुले पहुंचे वाली ना जेंट्स जीन पहन के चलती आती तो कई कई नहीं लेके आती फिर पति की भी पहन लेती, होता है। तो नॉर्मली आदमी दो ही जींस कैरी करता है कि चलो जींस तो रिपीट कर ही सकते हैं, फिर एक आदमी ने पहनी है एक उसकी बीवी ने पहनी है, बारिश हो गई दोनों गिली होंगी, पता चलता है बाद में पति बैठा होटल के कमरे में बीवी का सलवार सूट पहन के तीन सूटने की वेट कर रहा है। अच्छा देखना आप कभी हिल स्टेशन पे जो जोड़े जाते हैं ना, दो तरह के जोड़े जाते हैं, एक तो वो होते जो फैमिली बनाने जाते हैं मतलब जिनकी नई नई शादी हुई होती है, और एक वो होते हैं जो फैमिली बना के आए होते हैं। इनमें फर्क देखना आप क्या होता है कि जिनकी तो नई नई शादी हुई ना उनको कुछ खबर नहीं है क्या हो रहा है, बादल गरज रहे हैं आपस में, एक ही कुल्फी ली दोनों खा रहे हैं पूरा ले रहे हैं अपना, एक ही आइसक्रीम पूरा इंजॉय करते हैं, उनको बाकी सब चीजें बैकग्राउंड में होती हैं, बादल पहाड़ फूल पत्तियां। और जिनकी शादी को 7-8 साल हो गए ना, एक आध छोटी मोटी प्रोडक्शन हो गई उनका अलग ही होता है, पति अलग ही पहाड़ों के नजारे ले रहा होता है, अकेला ही चल रहा होता है, पति 10 मीटर आगे चल रहा होता है, पीछे बीवी 3 साल के बच्चे को टांगे उठा के सुसुक रहा है चल बेटा। अच्छा हम कहीं पे भी दुनिया में घूमने चले जाएं, एक बड़ी बीमारी है हम खाना अपना देसी ढूंढते हैं। हाँ हाँ। जैसे अगर राजस्थान का आदमी पेरिस चला जाए ना सारा दिन तो एफिल टावर देख के कुछ रहेगा, शाम को वहां से अंग्रेजों से पूछ रहा होता है भाई ये गट्टे की सब्जी कट्ठे मिलेगी। गुजराती लोग नहीं ढूंढते, गुजराती लोग अपना साथ में लेके चलते हैं, इतने ढोकले फाफड़े ले जाते ना साथ में, कई बार तो एयर होस्टेस को बेच देते हैं, ए तुम्हें खरीदू छू। अच्छा आप देखना कभी ना जो किटी पार्टीज होती ना उसमें लेडीज कई बड़ी फुकरी मारती हैं, दिस ईयर ना आई विल गो स्विस, माय सिस्टर लिव्स देयर ना तो स्विस जाएंगे, मतलब आई मीन हमको तो सूट ही वही करता है, दूसरी बोलती है ओ स्विस हम लोग तो पेरिस में प्लान कर रहे हैं, नहीं मेरे हस्बैंड में वेटिंग फॉर वीजा ना यार। पता तब चलता है जब दोनों सहेलियां देहरादून में मिलती ना वहां पे बैठी पैडल वाली नाव चला रही होती ना, जब सामने मिलती है वीजा का प्रॉब्लम हो गया ना, फिर शर्मिंदा भी नहीं होती। कुछ चीजें इतनी सिमिलर होती ना, ताजमहल चले जाओ ना आप जो नए जोड़े जाते हैं सब फोटो जरूर खिंचवाते हैं, वैसे चोंच पकड़ के नए नए तो खिंचवा लेते हैं, एक हाथ बीवी इधर इधर चोंच पकड़ी है, फिर 10-12 साल बाद लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं ना, बीवी जब वो फोटो देखती है चोंच पकड़ी और मुझे ऐसे किया हो फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है, ये मरमरा रहे थे तब तो चोंच पकड़ पकड़ के फोटो खिंचवाते थे, अभी क्या मौत पड़ गई तुम्हें, पति भड़कता है तब पता नहीं था ना तेरी चोंच इतनी लंबी हो जाएगी। अंग्रेज लोग सफर का एंजॉय करते हैं, हमारे लोग तो इतना सामान लेकर दिल्ली तक जाना होता ना 4 सूटकेस भर लेंगे, स्टेशन पकड़े पागलों की तरह बिट्टू किधर है, औरत अपनी साड़ी संभाल रही है, हाय मुन्नी कितनी चलेगी, उनको अपना नहीं सामान संभाला जाता, सामान की पैकिंग करने में 2 दिन लगते हैं, उनको सफर 1 दिन में खत्म हो जाता है, बड़ा सा सूटकेस उसमें भी वो पति के भी 12 कच्छे भरने हैं, तौलिया चद्दर तकिया तक कुछ लोग अपना लेके जाते हैं, उनको दूसरे तकिए में नींद नहीं आती, फिर ऐसे बच्चे की हेल्प लेते हैं, बच्चा बैठता है पापा मैं बैठता हूँ जीप बंद करो, फिर जीप बंद करते हैं
बाद में अंदर से आ रहे, मैं अंदर रह गया, फिर बच्चा निकालो बाहर। मतलब इतनी टेंशन लेते ना, गोरे लोग इंजॉय करते हैं। इतनी सी कैपरी पहनी है, वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी अपना पिट्ठू बैग डाला उसने, पूरा यस नाइस, पूरा एंजॉय करते हैं। हमारे लोग इसी टेंशन में रहते हैं, हरा वाला सूटकेस किधर रह गया। तो यही टेंशन रहती है। कहीं तो बर्तन भी साथ में लेके चलते ना, तो फिर आस पड़ोस में जो सफर वाले बैठे रहते हैं उनके साथ भी। अंग्रेज लोग किससे बात नहीं करते ना, किताबें विताबें। हमारे तो पानीपत से दिल्ली तक रिश्ते भी तय कर देते कहीं। तो आपकी बेटी बहन जी, हाँ जी, कितना पढ़ी लिखी है? सभी तो ये हिंदी में एमए कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे बेटे ने भी मैथ में कर रहा है, इस साल तो चलो फेल हो गया, पर अभी कई एक दूसरे को बर्तन भी यूज करने के लिए दे देते हैं। फिर जब अपना सामान लेके लेते, गिलास की भी टेंशन होती है, गिलास रह गया चलती ट्रेन में। अच्छा आप देखना, कभी ना छोटे शहरों में अंग्रेज आ जाए ना, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं गोरे गोरे लोग देख के ना, उनको देख के वैसे ही चिल्लाने लगते हैं, उनको लगता है ये अलग आदमी है। अंग्रेज, हेलो, मेरी भी फोटो खींचो। अंग्रेजों को समझ नहीं आता हमारी किड्स तेरी। अच्छा आप सब लोग भी ट्रैवल करते ही होंगे, आपके भी कुछ मजेदार किस्से होंगे, ऐसे ही शेयर करते हैं अगर आपका दिल करे तो। कोई है मेरे दोस्त? यस मैम। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हाय सर, मैं सोलो ट्रिप स्विट्जरलैंड में गई थी तो। हैं? मैं कभी नहीं गया। चलिए सर साथ में। हैं? टिकट मेरी खर्च दोगे आप? अच्छा सोलो ट्रिप पे गई, कंपनी रिइंबर्स कराएगी ना। अच्छा टूर बनाएंगे हम लोग। मैं फिल्मों में ही देखा, कभी नहीं गया स्विट्जरलैंड। चलते हैं, खैर अभी कहानी सुनिए। हाँ। अच्छा तो बेसिकली तो आप अकेली गई स्विट्जरलैंड? मैं सोलो ट्रिप करती रहती हूँ। अच्छा हाँ, तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? मुंबई की? मैं हूँ लखनऊ के, पर दो साल से मुंबई में हूँ। अच्छा तो इधर भी सोलो ही है? नहीं हस्बैंड है। वाकई में सोलो? तो फिर दीदी आप अकेली की गई? दीदी नहीं, हस्बैंड आपके उधर बैठे हुए हैं तो और क्या। मैं सवाल लूंगी दीदी। हेलो जीजा जी। नहीं पंगे किसी से नहीं लेता मैं थोड़ा जी। अच्छा सो इंटरलेकन में बैठी थी, ट्रेन का वेट कर रही थी दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए, तो एक चाइनीज बंदा भी बैठा हुआ था। अच्छा। तो जस्ट फॉर द कंफर्मेशन वैसे पूछ रही थी क्या टाइमिंग पे ट्रेन आएगी, लाइक ओके। तो ट्रेन आई, उससे बात करते फ्लो में मैं उसी के साथ कंपार्टमेंट में घुस गई। अच्छा तो मैं जस्ट अंदर जाने वाली थी कंपार्टमेंट में, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सेकंड क्लास नहीं है, क्योंकि मेरे पास सेकंड क्लास का पास था। अच्छा। तो मैंने सोचा ये फर्स्ट क्लास है, कहता हाँ। आई वाज लाइक इसके पास फर्स्ट क्लास है, मेरे पास सेकंड क्लास है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा अब तो मेरी पेनाल्टी लगी। वो फ्लर्ट कर रहा था, व्हाट्स योर एज? चाइनीज। हाँ, व्हाट्स योर एज? यू लुक स्मॉल बट योर एज बिग। मुझे पेनाल्टी का टेंशन हो रहा था कि अच्छे खासे पैसे चले जाएंगे। तो बोलता नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। और जैसे ही मैं नीचे उतरी उसने मेरा हाथ पकड़ा एंड ही जस्ट ड्रैग मी। लेकिन लास्ट में हम लोग पकड़े गए तो उसके पास उसने थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट किया कि अच्छा थोड़े से तुम्हें दे देता हूँ तेरे पेनाल्टी के और तू दे दे। तो फिर बस इतना ही था कि वो तो अच्छा निकला फिर आदमी तो अच्छा क्या निकला, उसके चक्कर मेरा तो लग गया ना पेनाल्टी। हस्बैंड दूर के बिठाए हुए हैं आपने? उन दूर की उठाया हुआ है, घर में तो साथ ही रहते हैं। मतलब वहां पे भी इरादा है कि और घर में शिफ्ट करने का इनको? नहीं अब ठीक है, अब जो है सही है। अच्छा तो बड़े यार क्यूट हो आप दोनों। शुक्रिया शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू। अर्चना जी जैसे हमारे यहाँ पे कोई हीरोइन आती ना खूबसूरत सी तो मुझे तो खुशी होती होती। बिल्कुल। तो आज आप आई हैं तो हमने खास मेहमान को यहाँ पे इनवाइट किया है और वो हैं डैडी। मेरे लिए तो आज के जो हमारे मेहमान हैं बड़े हैंडसम हैं, बड़े डैशिंग हैं, बड़े ही कमाल के हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं और क्या आवाज है इनकी। अच्छा प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड अर्जुन रामपाल। तेरे सिद्धू जी को क्या हो गया?
अर्जुन सर, आप पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं काफी बार, यहीं से हेलो है कर देते, आज आप चल के एफर्ट किया काफी बार। सिद्धि जी का ऐसे कभी नहीं देखा। अर्जुन जो है डैडी में भाई का रोल कर रहे हैं। सर, ये फिल्म किस बारे में है एक्चुअली? ये फिल्म एक डॉन थे, अरुण गावली जी, उनको डॉन नहीं कहलाया जाता, उस्ताद नहीं मानते, भाई नहीं मानते, उन्हें डैडी पुकारते हैं। सर, कितनी मेहनत की एक्चुअली आपने उस कैरेक्टर के लिए? 3 साल। 3 साल? 3 साल लग गए। अर्जुन सर, आप एक अंडरवर्ल्ड डॉन के ऊपर आपने फिल्म बनाई, तो आपको डर नहीं लगा कहानी थोड़ी इधर उधर हुई तो मेरी कहानी बिगड़ सकती है, ऐसा नहीं लगा? अरे मैंने सोचा नहीं था। ऐसे वाले मत करो यार अपने शो पे, फैमिली शो है, क्यों डरा रहे हो लोगों को? नहीं, मैं मुझे भी डरा रहे हो आप? नहीं, हम तो पैकअप करके घर चले जाएंगे। फिल्म तो आपने की है, दिखाई आपने उनको फिल्म जी? क्या बोले फिर? वो चुप रहे काफी देर तक, बोले यार तूने तो सब कुछ दिखा दिया। अच्छा। कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? ऐसे जब यही दिखाना था डैडी, बेटा तूने सब कुछ दिखा दिया, अपने हिसाब से पिक्चर बना ली, अब यही चाहता हूँ कि बहुत चले तेरे लिए। आपने ये फिल्म लिखी है, आपने इसमें एक्टिंग की है, आप ही ने प्रोड्यूस की है जी, तो इसका मतलब और किसी की हिम्मत ही नहीं हुई ना इससे पहले ऐसे बनाने की? सब डर रहे थे ना कि इस कहानी को कौन लिखेगा, कौन बनाएगा और किस तरीके से पेश किया जाए, और फिर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था मेरे साथ, तो अच्छा। मुझे ही प्रोड्यूस करना पड़ा। क्या बात है। अब वक्त है फिल्म डैडी से मम्मी को बुला, सॉरी, एक और जबरदस्त कलाकार को यहाँ पे बुलाने का, आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड ऐश्वर्या राजेश। ऐश्वर्या के लिए जोरदार तालियां। ऐश्वर्या कम, नो व्हाई आर व्हाई सिटिंग इन मिरर रोड, कम। आई हैव टू सिट नेक्स्ट टू यू, आई मीन लाइक यू लुक वेरी नाइस, आप बहुत अच्छी दिख रहे हैं। अरे बहुत अच्छी दिख रही है यार। मेरे को आते ही कॉम्प्लीमेंट किया, यू नो माय हिस्ट्री, हिस्ट्री, आई मीन आई एम ए वेरी लविंग गाय। अब प्यारी लड़का, ये लड़की मेरा जेंडर चेंज करके रह गया। बड़ा प्यारा औरत, आर यू मैरिड? नहीं नहीं, इन फिल्म ये तो इंग्लिश में पूछ रहा है। इन फिल्म, इन फिल्म यू आर मैरिड टू डैडी, मैरिड टू अरुण, बट इन रियल लाइफ यू आर सिंगल। या थोड़ा आगे हो फिर। I mean, would you like to have something? Tea, coffee? We have a huge budget of 150 rupees. अच्छा, ये तो मैं ना आज मुश्किल हो गया काम। क्यों? Only English. नहीं नहीं, मेरे को हिंदी मालूम है रे। अरे मालूम है रे, पहले तो आई नहीं हिंदी, आई तो एकदम दादर वाली निकली। आशा गावली रोल प्ले करे ना। हाँ, बड़ा करैक्टर में है भी। वेरी नाइस ऐश्वर्या, गुड टू सी यू। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। आई नो इट्स अ वेरी बिग शो, कपिल शर्मा, इट्स आपका बड़प्पन है। क्या बोले, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। I'll teach you something, okay? Yes. I'll teach you a few words to speak in Tamil. Oh. Okay? Ah, kya baat hai? Tamil. Tamil. Yeah, super. Yeah, jaan laga dunga. What do you want to learn? Love. Aha. I mean, okay. How to propose a girl okay. in Tamil. Okay. Ye acha hai, Tamil mein seekh lo, chepte jao jisko marzi. Kisi ko nahi pata chalega. Na unna kaadu likh raha. Bolo. Pehli baar mein na. 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 Unna. ना उन्ने कादलिकिरे कादलिकिरे ओ ना उल्ला उल्ला नहीं उल्ला बिकम्स इनसाइड हां उन्ने उन्ने बिकम्स यू ना उन्ने हां कादलिकिरे
कादली कर सेम ना ना हमने कादली कादली लिख रहे दैट्स ऑल इसका मतलब क्या है वो आई लव यू बोल दिया आज तो सबके सामने अच्छा नहीं ना उन्होंने काद लिख रहा है हां एक्सेंट इज गुड आई मीन गुड द सेम एक्सेंट नल्ला है अभी तमिलनाडु से अरे क्या बात ना उन्होंने काली किधर है काली साड़ी किधर है कौन बोल रहा है उन्होंने कुछ गड़बड़ बोल दिया ना उन्होंने काद लिख के रहे ना उन्होंने काद लिख के रहे हां सो आई विल से इन मलयालम नाउ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു You're a Malayali? Yes. Oh. वाह है बात पूरा भारत भारत माता की जय आज तो मतलब अलग अलग स्टेट से आप कहाँ से हैं मैम I'm from Malad. Malad. आज मलाड में मलयालम बोलते हैं मलाड तो हिंदी My roots are from Kerala, Cochin. कोची Yes. केरला से Yes. मेरे को इतने प्यारे लगते हैं ना साउथ इंडियन लोग मतलब आइएगा घर पे हाँ जी यू कैन गेट इडली सांबर एवरीथिंग कैन कम होम इन केरला तो इट्स पुट्टू वडा पुट्टू यस पुट्टू इज अ फेवरेट ब्रेकफास्ट या यू कैन गिव हिम पुट्टू यस पुट्टू क्या होता है पुट्टू इडली से राउंड शेप पुट्टू से स्ट्रेट स्टीम 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 सेम बोथ आर सेम मैम आई वांट टू नो वन थिंग यस देयर इज अ डिश व्हिच नेम इज मेंदू वडा मेदू वड़ा सॉरी मैंने बिंदी अपनी तरफ से लगा दी लेडीज से पूछ रहा था तो बिंदी लग गई मेदू वड़ा इज राउंड वी पुट मेदू वड़ा इन ए चटनी एंड देयर इज ए होल इनसाइड द मेदू वड़ा एंड द होल चटनी लीक आई मीन हु इन्वेंटेड द मेदू वड़ा I don't know, but मेरे घर पे मेरे हस्बैंड बनाते हैं मेदू वड़ा बजट फॉर टू मतलब चटनी बचाने के लिए ऐसा किया गया साउथ इंडियन लोग बहुत इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग हैं मेदू वड़ा इज ईटन विद सांबर एंड चटनी सांबर चटनी हर चीज में होती ना डोसा के साथ भी होता है ज्यादातर चाय वगैरह के साथ में भी लेते हैं आपके हस्बैंड महाराष्ट्र में नहीं माय हस्बैंड इज फ्रॉम मैंगलोर मैंगलोर यस ओके सो मेनी सी व्हेनेवर यू वांट टू मैरी मैरी इन सम अदर कल्चर व्हाई लाइक सम पंजाब टाइप व्हाई पंजाब बिकॉज समटाइम्स गिव मी 2 मिनट्स आई एम ट्राइंग टू मेक अ सेंटेंस लड़ने मरने का दिल करे ना कभी आपस में I mean, sometimes if you are fight, angry fight. with your husband, you speak in your language, whatever. Adro, वो भी बोलता रहेगा जो उन्हें बोलना है. कोई फर्क नहीं पड़ता है. बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके. Thank you so much for coming. Thank you. अच्छा ऐश्वर्या, is it true कि you started your career as a 7-8 word back to back आए मेरे? कि आपने अपने करियर की शुरुआत एक कॉमेडी शो के होस्ट के तौर पे करी थी आई होस्टेड अ कॉमेडी शो फॉर सम 10 टू 12 एपिसोड्स लाइक व्हेन आई वाज डूइंग दैट देन आई गॉट फिल्म अपॉर्चुनिटीज सन टीवी पे आपने किया था ना या सन टीवी या तो उस समय आपने सोचा था सन से एक बार सोनी टीवी पे आएंगे आप नो आई नेवर थॉट आई विल बी कमिंग टू योर शो बट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई शुड थैंक अर्जुन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक्स अ लॉट रो क्यों रहा है मर्द बन मर्द क्या हुआ कपूर शर्मा हमारे मांग पे सिंदूर देखा क्या मर्द ही बन के आया यार और ज्यादा मर्द बनेगा दो दो कच्चे पहन ले अर्जुन ऐश्वर्या ये बच्चा है पता नहीं किसका है इधर आता है अर्जुन जी नमस्ते ऐश्वर्या नमस्ते एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा हो गया है बताइए कैसे कैसे खड़ी होगी समस्या सोफे पे बैठी थी हमारे सम्मान में हमारे आते ही खड़े हो गए अरे कैसे सर आई टेल यू व्हाट हैपन
हमारी ना भैंसिया है फुलझड़िया, किडनैप हो गई है सर। किसी भैंसे के साथ भागी होगी। कप्पू शर्मा, हमारी भैंसिया के कैरेक्टर के ऊपर इस तरह उंगली मत उठाइए। अरे कभी किसी दूसरे भैंसे को ना ऐसे आंख उठा के नहीं देखा हमारी भैंसिया ने। सर सच बता रहे हैं, हमारी भैंसिया के आसपास अराउंड बहुत सारे भैंसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन सबसे कह देती है एक भैंसा तो अपने घुटने पे आके ऐसा प्रपोज भी करने लगा, उसके लिए गाना गाया उसने, कह रहा था सुन सुना आती क्या तो बेला, क्या करूं आके मैं तो बेला, अरे नाचे के गाएंगे खाएंगे पिएंगे गोबर करेंगे। और लेकिन सर वो किसी भैंसे को घास नहीं डालती है, उसको पता है घास डालेगी सामने भी भैंसा खा जाएगा घास। लेकिन उसने हमें साफ साफ कहा है कि उसके जीवन में जो है उसके सपनों का भैंसा कुमार किसी सफेद घोड़े पे आएगा, ऐसा सपना है उसका। लेकिन भैंसा घोड़े पे बैठ के कैसे आएगा ये? यहाँ क्यों आया? पुलिस में जाना फिर? अरे वहां पर कहते, वो कहते तू बहुत मोटा है, तुझे भर्ती नहीं कर सकते। भर्ती नहीं, कंप्लेंट कर जाके। नहीं कंप्लेंट क्या करना, मोटे हैं तो हैं, उनकी क्या गलती, उनका भी भैंस की रिपोर्ट लिखा। अरे हाँ हाँ रिपोर्ट, हाँ रिपोर्ट, रिपोर्ट लिखाने, रिपोर्ट लिखाने हम वो सीआईडी के पास गए थे। हाँ। अरे उधर के एसीपी प्रद्युमन बड़े अजीब है, हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी भैंसिया दिखती कैसी है। हमने कह दिया ओरैंगोटैंग जैसी दिखती। अरे भैंसिया है। ये बात सुन के सर उस दिन एक सीक्रेट हमको पता चला, क्या? उनके पास एक दया है ना, वो सिर्फ दरवाजा नहीं तोड़ता है सर, हड्डी भी तोड़ देता है। देखिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, आपकी मदद की हमें सख्त जरूरत है। जा कहीं और जा, बच्चा इधर क्यों आया तू? अरे बच्चा को तकलीफ होएगा किसके पास जाएगा, डैडी के पास ना। कहते हैं अगर 1 करोड़ रुपया नहीं पहुंचा है तो भैंसिया के मुंह में बहुत सारा नींबू ठूस देंगे, उसका सारा दूध फाड़ देंगे। ना हमको घबराहट हो रहा है, हमने कहा कि कोई और रास्ता नहीं है, तो कहते हैं भाई अपने फोन के ऊपर नेविगेशन चेक कर ले और कोई रास्ता है कि नहीं है। ने पूछा कि भाई तुम मजाक कर रहे हो, तो कह रहा है हाँ मजाक कर रहे हैं और कोई चारा नहीं है। अब आप बताइए सर, हमारी भैंसिया उनके पास है, उनके पास कोई चारा भी नहीं है, तो वो खाएगी क्या बेचारी? चल रोना भाई, एक भैंस बची क्या, दूसरी भैंस ले आ। नहीं नहीं सर ऐसे नहीं होता है, हमारे जो मॉडल है ना हमारा भैंसिया का, और किसी के पास है ही नहीं। माय भैंसिया बफेलो वन ऑफ अ काइंड सीज, सच में उसके मुंह में ऐसे चॉकलेट डालो ना चॉकलेट मिल्क दे देती है। स्ट्रॉबेरी डालो स्ट्रॉबेरी मिल्क, तो वनीला आइसक्रीम डालो तो वनीला मिल्क। अरे कप्पू शर्मा बेकार का बात कर रहे हैं यार, कभी देखा है किसी भैंसिया को वनीला मिल्क देते हुए? तू स्ट्रॉबेरी दे रहा है तो मेरी तरफ से आ रहा है स्ट्रॉबेरी से। वो अलग बात है कि उसके सामने कभी कोई सोया हो तो सोया मिल्क जरूर दे दे। भैंस तेरी किडनैप हुई कैसे बता, रो ही जा रहा पागलों की तरह। सर वो एक लंबी कहानी है, रहने दो फिर ना सुना। स्टार्ट से सुना। हुआ क्या सर, रात के 3 बजे हुए थे, तीनों तरफ अंधेरा था। 4 तरफ होता है। हाँ तो एक तरफ लाइट जल रही थी किसी के घर में, 3 तरफ था। अभी तब पक का बात देखते, हम भी तबेले में सो रहे थे, अचानक हमारा आँख खुलता है और हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बुर्ज खलीफा। अरे कप्पू शर्मा अचानक आँख खुलेगा, तबेले में जो दिखेगा वही देखेंगे ना यार। क्या देखते? सर हम लेटे हुए थे, हम देखते हैं ऐसा 4 पैर। हाँ। हमें लगा कि कोई भैंसा होगा आया होगा हमारी फुलझड़िया से मिलने, एंड आई एम ओपन माइंडेड। अचानक 4 पैर ना हमने ऐसा पान करके ऊपर देखा, इट इज नॉट अ भैंसा, 2 आदमी थे। हमारी भैंसिया को ऐसा क्लोरोफॉर्म सुखाया, खींच के उसको लेके चले गए यार। हाँ। तुमने कुछ नहीं किया? हमने किया ना, तुरंत उसका दूध निकाला, अगले दिन कैसे बनाएंगे। खैर अर्जुन जी हमारी भैंस चली गई, आपको मदद करना पड़ेगा, आप ही सहारा है, कुछ कीजिए। ये नहीं कोई तेरी हेल्प कर सकते, जाओ वो क्या तेरी हेल्प करे। ठीक है अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए, हमें सिंपथी दे दीजिए, और सिंपथी भी नहीं देना तो छोड़िए 3,000 रुपया दे दीजिए, हमारा चल जाएगा। Okay, just give him 2,000. अच्छा ऐसे कभी हुआ नहीं, तो सीरियसली पैसे मांग रहा कैसे? ले लाइए लाइए। अरे थैंक यू सर, 1 मिनट रुक जाइए। हेलो हाँ किडनैपर जी, हमको पैसा मिल गया है, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, 500 रुपया आपको RTGS करते हैं, अभी करते हैं।
फिरौती तो 1 करोड़ की है, 500 क्यों लेगा? अप्पू शर्मा बड़े भोले हैं यार आप। भैंसिया के लिए कौन 1 करोड़ का फिरौती मांगता है यार? 500 रुपया मांगा था हमने, बोला कि चलो यार दे देंगे, तो 2500 रुपया हमने एक्स्ट्रा लिया है सर, क्योंकि हमको आपका पिक्चर देखना है। अच्छा, तूने हमारे गेस्ट को जोक्स तो सुनाया नहीं? अरे अरे सर, आई फॉरगॉट व्हाट हैपेंड हियर। आई से जोक, आई वेरी फनी, आई नो लॉट जोक, ही डज नॉट। हम जोक सुना रहा है, ओके रेडी? देखिए कपू शर्मा, लड़की आपको एक किस देती है, फिर एक और देती है, कितने आपके पास? 2 22 21 देती है, फिर एक और देती है, 22 21 मजा आ गया, चलिए हम चलते, थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग यू। यो लेकर आता भाई, अर्जुन सर की आवाज है बड़ी मजेदार है, करारी सी। जब आपने और बच्चन साहब ने साथ में फिल्म की आंखें, या एक और फिल्म आपने साथ में करी थी, एक अजनबी, तो एक्चुअली वो जो बैठ के सिनेमा में देखो ना, तो जब बच्चन साहब और ऊपर से अर्जुन सर दोनों बोल रहे हैं ना इतनी भारी आवाज के साथ, तो बड़े बड़े ऊपर लगे होते ना, तो ऐसे सीट के नीचे गुर गुर होते, तो भारी आवाज है ना। तब जब आपने पहली बार बच्चन साहब के साथ फिल्म की थी, तो उन्होंने ऐसे कहा था ना कि कहीं यार मेरे को देखो तो नहीं भारी आवाज निकाल रहे, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कभी? पहली बार जब मैंने बच्चन साहब के साथ काम की थी, उसमें मैं अंधा था आंखें, हाँ, तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि मुझे उनकी तरफ देखना ही नहीं पड़ा। अच्छा, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता था। तो दूसरी बार जब मैंने उनके साथ काम किया, वो एक अजनबी थी, और उसमें मुझे आके उनको बोलना था व्हाट्सअप सैम, ऐसा कुछ डायलॉग था मेरा, उनसे आंखों में आग डालना था, वो लाइन ही में भूल जाता, जब भी मैं उनके आंखों में आग डालता था, आई टू फॉरगेट द लाइन ओनली। So he said, Arjun, I said, yes, sir. You've done a movie with me. So I was like, yes, sir. So he said, so why are you getting nervous? So I said, sir, I was blind in the other movie. तो नहीं, उनके साथ क्या कंपीट करना, उनकी आवाज जो है उनकी आवाज। नहीं नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वी लव यू बच्चन साहब। उनके डायलॉग भी जैसे हैं, ऐसे डायलॉग भारी आवाज में शूट करते हैं ना, कि जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। अगर कोई पतली आवाज वाला कोई होता, अगर रिश्ते में तो हम शूट ही नहीं करेगा एक्चुअली। ये सब क्या कर रहे हो, कैसा है इधर देखो। हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, क्या बात है, आप लोग आए चार चांद लग गए, अभी ग्रहण लगाएगी इधर आएगी। हाय अर्जुन, हाय ऐश्वर्या, आप लोग यहाँ आए चार चांद लग गए। ए, मुझे कॉपी करती है नकलची कहीं की। ए, तेरी बाप ये लाइन लिखी थी क्या? सब लोग बोलते खुद बंदरिया जैसे लगता है, और मुझे कॉपी 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 बोलते। तुम इसे कुछ कहते क्यों नहीं? यू आर लुकिंग हॉट। ये चोरी चिप्पे मेरा मेकअप यूज किया। एक मिनट, मैं क्यों तुम्हारा मेकअप यूज करूंगी, आई एम ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल, आई डोंट नीड योर मेकअप। सुनो, अगर नेक्स्ट टाइम तुम मेरा मेकअप यूज करते है, तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं तुम्हारा मेकअप यूज करूं, तो मुझे भी नहीं छोड़ोगी? न्यूज वाले सब लोग को अलर्ट नहीं करते है जितना ये फ्लर्ट करते रहते हैं। अब क्या करें, पायरेसी का इतना जमाना है, ओरिजिनल की आदत ही नहीं है लोगों को। तू और ओरिजिनल, तू डुप्लीकेट की भी फर्स्ट कॉपी है। पान खाकर होठ लाल करने वाली औरत। ए, तू औरत, तेरी माँ औरत। ए, तू जेंट्स, तेरी माँ जेंट्स। ए, अर्जुन। ए, मोगली की बघीरा। ए, जिराफ की बच्ची। ए, मेंढक की बच्ची। मैं तेरी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये ऑफर मुझे कब मिलेगा? तो तुम मुझे समझाते क्यों नहीं हो? लॉटरी समझ जाओ ना, मान जाओ। मैं क्या दिवाली हो जो मनाते रहते हो? तुम दिवाली नहीं, मवाली हो। अगर मैं मवाली हो, तो तुम बिना सुर वाली कवाली हो। आज तो छा गई लॉटरी। लॉटरी मुझे बताओ क्या करना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसको अंदर करवा दे, हम जुआ खेलती हुई को पकड़वा देते हैं पुलिस वाले। जब हेल्प करने के डैडी यहाँ हूँ,
तो मैं बच्चों से हेल्प क्यों लेती हूँ? हाय। यार मैंने गलती कर दी, डैडी करके सब डैडी डैडी बोलेंगे क्या? हाँ? तुम तो बन गए डैडी, हमें भी बनाओ कभी। Anyways, Arjun, I'll catch you later after the interview, okay? Okay. Bye. Bye. Bye, Ashwari. Bye. जो यहाँ रहनी चाहिए थी वो चली गई। और तू जाने का क्या भाड़ा लेगी अभी यहाँ से? लेडीज पुलिस बुलाऊं? लेडीज पुलिस क्यों बुलाना है? नहीं, अभी जाने का क्या मांगता है? मैं इतनी आसानी से मानने वाली तो हूँ नहीं, मेरी जैसी लड़की ढूंढ के दिखाओ तो जानू। ये तो है, ढीठ लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं आजकल? नहीं मिलती है। सरला, तेरे को पता, तेरे आने से पहले ना हम लोग ऐसी बातें कर रहे, तेरे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता ढूंढा हमने। देखो, रिश्तों की कमी तो नहीं है मेरे पास। रिश्तों की और किश्तों की कमी नहीं है इनके पास। आपको पता, आधा किलो पनीर लेने गई, वो भी किश्तों पे, कहती भैया कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अर्चना जी, गलती मेरी है क्योंकि मैं इसको इतना ज्यादा भाव देती हूँ। तुमसे अच्छे लड़के ना भरे पड़े हैं। मेरे पास एक भरा हुआ लड़का है, मैं बुलाऊं? वो अच्छा? आजा भाई, देख तेरी मेहनत का फल। फल मांगा था, पेड़ नहीं। देखिए, कहने के लिए हम भी आपको लौकी कह सकते हैं, लेकिन टिंडी को लौकी कहेंगे तो लौकी बुरा मान जाएगा। हीरो बैठे और मैं जीरो से बात कर रही हूँ। वैसे तुम दोनों को शादी करनी है, अब रिश्ता बन रहा है तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। मायसेल्फ बच्चा, नाम तो सुना होगा? नो, नहीं सुना। तो आपके घर में क्या 18 साल के जवान पैदा होते हैं जो बच्चा भी नहीं सुना? देखिए, एक चीज तो आपको देख के गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप जरूर किसी बड़े शहर में पैदा हुई होंगी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सामने अर्जुन बैठा है, एटलीस्ट कुछ तो इंस्पिरेशन लेके नो लड़का, एटलीस्ट अर्जुन जैसा होता तो अच्छा होता। ये क्या है? देखिए, ऐसे क्या ख्वाब लेने में क्या है, ख्वाब तो हम भी ऐश्वर्या जी के ले सकते हैं, लेकिन इंसान को अपने औकात में रहना चाहिए। देखो, अपने अपने देखने का नजरिया है। वैसे कईयों को तो हम मोतीचूर लड्डू भी लगते हैं। क्या लगते हैं? मोतीचूर लड्डू लगते हैं जिनको अपने बचपन में दवा के इंजेक्शन नहीं लगते ना, बड़े होकर ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। It happened. देखिए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, हम थोड़े से रोमांटिक मूड में आए हैं आज, कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। देखिए, रोमांस है ना, घर नहीं चलता। आप लिखे पढ़े हैं कि नहीं? हम लिख लेते हैं लेकिन पढ़ना नहीं आता है। क्या लिख लेते हैं? पता नहीं क्या लिख लेते हैं, पढ़ ही नहीं पाते तो बताए कैसे क्या लिख लेते हैं यार। देखिए, अगर आप हमारे जीवन में आना चाहती है ना, तो एक बात याद रखिए, हमें लड़की खानदानी चाहिए। ताकि बात आगे ना बढ़े, इसलिए हम पहले ही बता देते कि हम बहुत बड़े खानदान से, और मेरे दादाजी इतने बड़े आदमी हैं अर्चना जी, कि वो उड़ती चिड़िया को पकड़ लेते हैं। अरे, तो हमारे दादाजी भी बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो ऐसा फालतू का काम कभी नहीं करते। हमेशा मुझे तंग करती ना, आज मैंने ग्रुप में आदमी छोड़े इसके ऊपर। दूल्हा लाने से अच्छा तुम चूल्हा ले आते, कुछ तो काम होता। ये क्या है? देखिए, आप तो खामखा बुरा मान रहे हैं यार, हम मजाक कर रहे हैं। मजाक से घर नहीं चलता। हमारा चलता है, अच्छी तरह करते ना तो चल जाता। अरे मेरा मतलब तुम घर चला लेते हो। नहीं नहीं, हम पीछे बैठेंगे, आप चला लीजिएगा। यार छोड़िए ना इन बातों को यार, हम इतना प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, हमने कोई डिमांड रखा आपके सामने? डिमांड रखना भी नहीं। क्यों? पुलिस में रिमांड हो जाएगी तुम्हारी, इसीलिए। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, हम आपको एक बात बताएं, हमारे पिताजी ने कहा था कि बहू को दो कपड़ों में घर में लाएंगे, वो तो हम सामने से कह रहे कि दो कपड़े थोड़े कम लगेंगे, थोड़ा ज्यादा पहन पाएंगे। अपनी तरफ से इतना रिस्पेक्ट दे रहे और क्या चाहिए यार। और अगर बाई चांस ये रिश्ता आगे बढ़ता है तो आपको बता दें, आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। क्यों? हमारे मुर्गे ने कहा है कि वो अकेला नहीं उठेगा, एक चूजी साथ में उठेगा। घर का काम कर लेती हैं? हाँ, कर लेती हूँ। तो एक दिन में कितने घरों का काम कर लेंगे? मैं क्यों किसी के घर में काम करूंगी? हाँ? मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी होंगी। गप्पू, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। मैं भले कुंवारी मर जाऊं, मैं नहीं शादी करूंगी, दिमाग खराब हो चुका है। ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए, ये इतना जो कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात कही ना, ये दिखाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हीरो आपको भाव देते नहीं, कप्पू आपको घास देते नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और एक बात क्लियरली समझ लीजिए, जब आपके घर पे एसी ना हो ना,
तो फिर पंखे से दुश्मनी नहीं कर। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अरे अरे अरे। नहीं नहीं मैं हमको भी लग रहा है यार थोड़ी अजीब मदबुद्धि टाइप की लड़की है। आई लाइक आई पटा हुआ यार। अच्छा आपने अभी अर्जुन सर के साथ एक फिल्म की है साउथ में, कितनी सारी मूवीज की हैं अर्जुन सर आपने? तो कभी साउथ में कोई मूवी नहीं की ना? नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको बॉलीवुड में और साउथ इंडस्ट्री में क्या फर्क नजर आया? व्हाट इज द डिफरेंस? आई थिंक इट्स जस्ट द लैंग्वेज। हमको पता नहीं यार बहुत डिफरेंस नहीं है। एक दो तो मैंने ऐश्वर्य देखी फिल्म में जिसमें वो एक्शन बड़ा खतरनाक होता है इनका। हाँ, बहुत। हाँ, हाँ, हाँ। 100-150 गुंडे हीरो आएगा यूं करके उसने लुंगी उठाया ऐसे डायलॉग बोला चकर 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 पैर घुमाया मिट्टी उड़ती है मिट्टी का बवंडर बनता है फिर उसी को लात मारते हैं और 150 बंदा। हाँ कभी कभी ऐसा। अभी कौन सी लैंग्वेज में थी ये मुझे भूल गया। मैंने ये स्टोरी जैकी चैन को भी सुनाई वो बड़े खुश हुए वो हैरान हो गए कहते अच्छा अभी वन गाय फायर्ड ए बुलेट बुलेट इज ऑन द वे देन बिकॉज देयर आर 4 विलन्स एंड हीरो हैज ओनली 1 बुलेट। एक गोली चलाई उसमें बाद में ही निकालने को क्या बोलते हैं टेकआउट। ही टेक आउट हिज नाइफ एंड पुट इट ऑन द बुलेट बुलेट कट इनटू 4 पीसेस एंड बहुत अच्छा है ना चारों ने थोड़ा थोड़ा बुलेट लिया वेंट टू स्लीप। अब मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म डैडी के 3 और खास कलाकारों को यहाँ। प्लीज वेलकम राइटर डायरेक्टर एक्टर मिस्टर निशिकांत कामत वेरी टैलेंटेड राजेश श्रृंगारपुरे एंड आनंद इंगले। बहुत बहुत स्वागत है। मराठीत कशाला बोलायला पाहिजे त्यांनी मराठीत? अभी काय लोक मराठी बोलते मुलगी शिकली प्रगती झाली। अच्छा मुलगी शिकली प्रगती झाली आमच्याकडे वेगळं म्हणतात मुलगी शिकली रिक्षा विकली। अभी क्या है ना मतलब ये जो हमारे दोस्त हैं ये हमेशा बेवकूफी की बातें करते हैं। अरे हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हैं जिसकी कोई तो इनको ना लोग कपिल शर्मा बोलते हैं मराठी के। अरे ये मतलब अरे काय बोलतो इस ये उनके लिए कॉम्प्लीमेंट था कि घुमा के मुझे मारा है आप? नहीं नहीं आइए बैठिए सर बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पे देख के। आपकी मूवी का ट्रेलर देखा हमने बहुत ही कमाल का लग रहा है और बहुत मेहनत की आप सबने आपको ढेर सारी बधाई पहले। सर फिल्म में आप तीनों के क्या क्या किरदार हैं? This is a BRA gang. वो गैंग वैसे ही फेमस था जी जैसे बाबू रेशम बी रमा नायक आर अरुण गवली ए। बेसिकली आप तीनों का गैंग है और ये निशिकांत सर पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं। हाँ जी जी मैं बाबू रेशम हूँ ये है रमा नायक एंड अर्जुन। ट्रेलर में देख के तो आप पहचान भी नहीं आते कि आप वही हैं। सर उन्होंने कम से कम 25 किलो कम किया अभी अभी। क्या बात है बाकी 75 कम कर रहे हैं। नहीं यार बहुत मजेदार आपने निभाया रोल। निशिकांत सर आपको बहुत मुबारक जी आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाई है और स्पेशली मेरी फेवरेट है दृश्यम जब देखी जी बहुत ही कमाल की मूवी आपने डायरेक्ट की बहुत मजा आया देख के। राजेश आपने कोई हॉलीवुड में भी मूवी की है ना? जी रेड ऑन ओसामा बिन लादेन मैं जरूर देखूंगा यार बड़ी अच्छी बात है। जैसे मैंने देखा ना उनकी फिल्मों में कभी कभी जैसे विलेन के साथ अपने तो गाना डाल देते ना ऐसे कि चलो नाच के दिखाओ कभी वो कट टू कट बात करते हैं उनकी हीरोइन अगर विलेन उनको घेर भी ले तो उसकी पिस्तौल छीन के उसके रख देती ना कि ली मे आई किल यू हमारी बेचारी है ना बोतल तोड़ के खुदी हट जा बड़ा पर नहीं हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है आज किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है पूरे वर्ल्ड में नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बॉलीवुड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर यहाँ पे हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक आते हैं सर वो अपने स्टार्स के साथ
अपने फेवरेट लोगों के साथ खुद बातें करने का हम लोग उनको मौका देते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप लोग पूछ सकते हैं। जी हेलो, आल कपिल शर्मा शो, नमस्ते। मेरा नाम सूर्य। कपिल शर्मा शो, नमस्ते। नमस्ते आल कपिल, नीली टी शर्ट, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, मेरा नाम सुरेश है सर। अच्छा जी। मैं मेडिकल रेजिडेंट ही हूँ सर। मेडिकल फील्ड में मैं हमेशा घर पे लेट आता हूँ, मेरा शेड्यूल ही एकदम अपडेट नहीं रहता है सर। तो मेरा सवाल अर्जुन रामपाल सर से है। जी सर, जब भी मैं घर पे आता हूँ तो मेरी बीवी किचिच करती है, आप हमेशा लेट आते रहो, क्या आपके साथ ऐसा होता है सर? मेरी बीवी मेरे को किची नहीं देती। तेरी बीवी तो को किची देती है, क्या बोलती है? नहीं हमेशा मतलब, अच्छा मैं सोचा किस करती है, सॉरी। नहीं नहीं, हमेशा मैं घर पे लेट आता हूँ तो डांटती है, इतना लेट क्यों आते हो? क्यों लेट आते हो आप सर? शेड्यूल अपना कौन डाउन सा, क्यों होता है? ऐसी दवाई बना रहे हैं आप मेडिकल? सेलिंग करता हूं सर हमेशा, डॉक्टर अभी टाइम पे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। वो जब चिल्लाती है ना तो मैं बीवी से पकड़ के किच्ची किच्ची कर लो। ठीक है बस सर, मैं हाँ। एक कोई टेबलेट ऐसी पूछो, एमआर हो आप तो निकालो, ऐसे बोले ऐसे डाल के पानी पिला दो, फटाफट सो जाए ये तो जग जाए। तो घर बदल लो, घर बदल लो, टीवी बदल लो। हाँ ये इस घर में किचकिच है तो घर बदल के देख लो एक बार। इसने तो इतने घर बदले। अरे नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी और कोई हमारे दोस्त? यस हेलो सर। हेलो हेलो अर्जुन सर। हेलो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और कपिल सर फैन लग रहे हो मुझे। सर कपिल सर, मैं आपका शो रोज देखता हूँ, मैं आपका बहुत रोज तो आता नहीं, झूठे कहेंगे, आता ही सर, आता हूँ सैटरडे संडे आता है, वो भी बीच में एक दो टेलीकास्ट मिस हो गए, मुंह बड़ा तीखा करवाया आपने। यस सर। सर अर्जुन सर, ये जो आपका जो फ्रेश और एकदम एक्टिव चेहरा है, ऐसा मैं भी रोज फ्रेश और एक्टिव चेहरा रहने का एक योगा करता हूँ, क्या मैं आपको करके दिखा सकता हूँ? आइए करके कैसे बताएंगे सर? मैं जो मिरर के सामने फेस योगा करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, और ऑडियंस क्या आप लोग भी मेरे साथ में करोगे? तो कीजिए आप सभी लोग। A E I O U, ऐसा रोज सुबह शाम 5 बार करने से आपका चेहरा फ्रेश और एक्टिव रहेगा। हमें भी फ्रेश होना है, हम yes, ट्राई करते हैं सब साथ में। यस सर, आप सभी लोग कीजिए। चेहरा फ्रेश होता है कि नहीं होता है? हाँ चलो स्टार्ट कीजिए आप। A A E E I I O O U U सर, ऐसा 5 बार कीजिए। अरे मगर तेरा ए ई आई में तो एक ही एक्सप्रेशन था। नहीं सर, देख देखा ए ए ई आई 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 वो ए ई आई। सर मैं एक बार वापस कर रहा हूँ। हाँ अरे नहीं रे, ए ए क्या है? ई ई आई आई ओ यू। सर उसके अंदर हवा भी बाहर निकालना है। मैं मेरे को भी आता है एक। हाँ सर करियो, मेरे पीछे पीछे बोलना। हाँ सर। जी जी ओ ओ टी टी एच एच ई ई आर आर ई ई ओ दे थैंक यू सर। और नहीं सच्ची मेरे को बता देना, सीरियसली मेरा अभी 5 किलो बढ़ गया सर। अच्छा है उसने सर, मैं डेली करता हूँ, मेरी मम्मी मुझको मना करती है करने के लिए, लेकिन मैं रोज। तो मम्मी की बात मानो। मैं ट्राई करूंगा यार। ओके सर थैंक यू, मेरा 5 किलो बढ़ गया एक्चुअली। यस सर, फिल्म खत्म हो गई ना, ट्राई कीजिए। और बेटा थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज किया कर। हाँ सर ओके करता हूँ सर। अच्छा है ए आई, अच्छा है जी। और कोई हमारे दोस्त? यस प्लीज। हेलो कपिल, हाय एवरीवन। हेलो मैम, आप डैडी मूवी भी कर रहे हैं, आपकी डैडी मूवी है एंड आप डैडी भी हैं 2 डॉटर्स के, सो आई एम आल्सो ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स। सो आपको कभी इस इंडियन सोसाइटी में रह के ये नहीं लगता कि आपका एक बेटा होना चाहिए? क्योंकि मुझे तो इतना फोर्स किया जाता है कि यू शुड हैव अ सन आल्सो। आई रियली वांट टू आस्क, आपको कभी फील नहीं होता? थोड़ी बहुत फीलिंग हुई थी यार, एक लड़का भी होना चाहिए, कभी कभी ऐसा ऐसी फीलिंग हो जाती है तो। मगर जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरे पिताजी मेरे पास आए, बोला आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सन, यू हैव रियली प्रूव्ड योर अ लेडीज मैन।
और मेरे ख्याल से बेटियां बहुत खूबसूरत हैं, कोई भी बच्चा नो बच्चा होता है, एंड एज अ पेरेंट यू शुड बी हैप्पी कि वो हेल्दी हो, ओके, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड यू आर ब्लेस्ड टू हैव अ बेबी. हालांकि अब तो समय बहुत बदल गया, पर अभी भी कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो बोल देते हैं. हालांकि हमारे घरों में ना बेटियों को ही ज्यादा प्यार मिला है. ठीक है, करो बेटियों को प्यार, पर हमें शित्र प्रेडी होती रही हमारी. आपके घर में अगर बेटी को प्यार मिलता है वो बहुत, मैं बोल रहा हूँ कि संस्कारी घर है फिर, और आप जैसे बेटे हो तो बेटी से प्यार करना ही चाहिए. ये सच है एक्चुअली, इसीलिए बोला मैं संस्कारी है, समझ में आता है इनको, किसको प्यार करूं किसको जाने दो. अभी ये क्या इसका होने वाला है, किस किस को प्यार करूं, तो पहली फिल्म थी. द सेकंड वन इज फिरंगी. सर अपना बीच बीच में कर देता हूं. इसका प्रमोशन होता रहता है बीच में. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. सोनी साहब ने इस सोसाइटी में एक सेकंड और नहीं रहने वाली है. तो दो चार दिन रुक जाओ फिर. मैं हूँ ना लॉटरी, तुम क्यों टेंशन ले रही हो आज इतनी? तुम तो क्यों हो, तुमसे मैं और परेशान हो रही हूँ. लॉटरी वैसे ना तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती, चलो कहीं डूब मरते जाके चलो. चलो फिल्म देख के आते हैं. फिल्म देख के क्या होने वाली है, तुम ऐसे सपना देख के खुश रहो. तुम्हारी बहन आई एक, वो भी तुम्हारी जैसी बोलती है. आ जाओ ऐश्वर्या. प्लीज ऑल्सो जेंडर चेंज हिंदी. सुनो मैं बहुत परेशान हूँ. पहला तो वो सरला इतना परेशान करती थी, अब उसका दादा भी आ गया और परेशान करने के लिए. यार दादा का मैं कुछ नहीं कर सकता, किधर है? आ गया. हाँ जी सिद्धू साहब, आज मेकअप ज्यादा नहीं हो गया? ये सरला के दादाजी हैं, कल ही आए हैं, आज दूसरी आवाज में बात कर रहे हैं. कल आया हूँ, इससे बड़ी परेशानी है, है? खुद हफ्ते में दो बार आता, उसके कोई जिक्र नहीं है. हेलो तुम क्या क्यों खड़ी हो यहाँ पे, जाओ मेहमान आया, चाय लेके आओ. जाओ कितनी बार चाय पियोगे? चार बार हो चुकी है सुबह से, चाय पीके देखो मैं कितना परेशान हो गया. परेशान ठीक है, ग्लैमर है ना, जो ग्लैमर अपना मजा है. ये मैंने कह दिया सुबह सुबह चाय पीते हो, अब सुबह सुबह बोतल खोलना अच्छा थोड़ी लगेगा सबके सामने. ठीक दिया ना. वैसे अर्जुन जी क्या बॉडी बनाई है आपने, कमाल की बॉडी. बॉडी मैंने भी बनाई है लेकिन मैं आज घर भूला आया जरा. यहाँ बैठिए मैं खड़ा ठीक हूँ. आप बैठिए मैं खड़ा ठीक हूँ, ऐसे कोई कोई परेशानी की बात नहीं है. सोनी साहब इसको रहने के लिए कोई और अरेंजमेंट करो, नहीं तो मैं जा रही हूँ. हेलो इसको बताइए, कुछ नहीं रखा आने जाने में, कुछ नहीं रखा. अर्जुन साहब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये जाने को कह रही है, पूरी दुनिया घूम के आ गया मैं, कुछ नहीं रखा. ये दिल्ली मेरे सामने बना है, इंडिया गेट इतना सा था. इतना सा था इंडिया गेट. अभी अभी मैं आपको बता दूं, फिर मेरे सामने बड़ा हो गया इंडिया गेट. मैं गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने, मैं वहां पे गया, मैंने कहा बहुत सारी बिल्डिंग थी, मैंने कहा भाई तुम में से स्टैचू ऑफ लिबर्टी कौन है? वो पहले ऐसी थी, कहती है मैं. मैंने कहा ऐसी खड़ी रहा. फालतू बातें करते रहते हो तुम. हेलो जी फालतू, आप बैठो ना, क्यों परेशान हो रहे हो? क्या बात है, कमाल है. देखो ये कितना परेशान करते हैं, मेरा इतना काम है हॉस्पिटल में, कुछ करने नहीं देते. ओ हॉस्पिटल की बच्ची, बात सुन ले, बात खुल रही है तो. एक ढिले कर दिया हॉस्पिटल, एक टीवी लगा रखा है, ऐसे सीधी सीधी लाइन आती रहती है उस पर, और कुछ नहीं है. मैंने केबल लगाया, अब सोनी आ रहा होगा, जाके देख. वो ईसीजी है, पेशेंट का धड़कन आती है उसमें.
धड़कन धड़कन सुनील शेट्टी की आती है यार। तिलोक तक याद है उसका, धरती मेरी माँ है। सुनो, अगर ये ऐसे करते रहते हैं मेरा पूरा काम चल जाऊंगी। मेरा पूरा नौकरी चले जाऊंगी। नौकरी की चिंता मत कर, नौकरी की बड़ी परेशानी है। अर्जुन जी आए हुए, तू कहे तो डैडी मैं एज अ मम्मी लगवा दू। लेकिन एक बात बता, मम्मी बन के मेरे को भूल तो नहीं जाएगी? दादू आप प्लीज अंदर चल के खाना खा लीजिए, खिचड़ी तैयार है, प्लीज। पागल हो गई है, या बिरयानी बना रहे हैं वो खिचड़ी की बात कर रही है? तभी मूंग दाल से खिचड़ी ही बनेगा, बिरयानी नहीं। कुछ और बनी ना बनी तेरी चटनियाँ जरूर बनेगी। अगली बाजी में सोच समझ के बोला कर। वो तोती खबरदार, उसको कुछ कहा दो। तुम बाहर आ जाओ, मैं ऐसा बोलूंगी आप सोचते रहे कि ये क्या बोल के गए। एग्जैक्टली हम तो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या बोले। हेलो, और उसको धमकी मत दो, तुम बाहर आ जाओ, वो बच्ची है, मैं आ जाऊंगा बाहर, मेरे को बुला लो। दादाजी आप ऑलरेडी लिमिट के बाहर जा रहे हैं दादाजी। हेलो, मेरे को कुछ नहीं बोलना, जो बोलना है पोते को बोलो मेरे। चलो दादू आप प्लीज चलो, खिचड़ी तैयार है। अब बात तो सुनो, बात तो आप बैठे रहो यार, आप बैठे रहो। डैडी की पूरी कास्ट के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। और अर्जुन सर, हमारे दर्शकों के लिए देखिए, फिल्म आपकी हिट है, सुपर डुपर हिट है, तो पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं, बाद में आप हमारे हाथ में। चलो जी, तो आपके लिए अर्जुन रामपाल इज अ डीजे टुनाइट।